मैं फर्ज कर लेता हूँ कि आप ठीक फरमा रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। नहीं, मैं सवाल करने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नैब का कानून जो है क्वेश्चन फ्रेम करने की इजाजत देना, क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करने की इजाजत दे रही हूँ। नैब का कानून गलत है आप कह रहे हैं, बट आप अपने एजेंडा पे काम ना करें। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर साहब पे फर्द जुर्म आयद होना थी और वो सारा कानून बन जाए और वो अदालतों को ये मौका दें खुद ही फैसला कर रहे हैं कि ये सियासी केसेस हैं। ये तो इस्तेहकाक की अदालतों का था। क्या अदालतों ने तो फैसला कर दिया जब सादर रफीक का केस आया और उन्होंने कहा कि सादर रफीक साहब पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए हैं और नैब अदालतों ने किया ना। मैं वही कह रही हूँ, नैब केसेस वापस हो गए हैं, बात केसेस कानून चेंज करके केसेस वापस हो गए 50 से ज्यादा। बेसिकली आपको नहीं पता वो नैब का कानून गलत था, नैब के कानून का आपको जो आइडिया नहीं है वो आप को पता है कि 3.5 ईयर्स ने नैब ने जिस तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया, ये अदालतों का अपना फैसला था कि नैब इज यूज टू पोलिटिकली टारगेट एंड विक्टमाइज अदर पीपल। तो ये मुझे आपको आपको पता नहीं है इसकी वजह से। चले इसको आपने हाँ। आप फरमा रही हैं कि नैब का कानून गलत था, नैब का कानून गलत था, नैब का कानून जी गलत। बिल्कुल ये मेरा और आपका कंसेंसस हो गया एनी एक सेकंड के लिए। मैं और आप इस बात पे इकट्ठे हो गए, कंसेंसस हो गए एक सेकंड के लिए। मैं फर्ज कर लेता हूँ कि आप ठीक फरमा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, डजंट मेक सेंस। नहीं, मैं सवाल करने जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नैब का कानून जो है क्वेश्चन फ्रेम करने की इजाजत देना, क्वेश्चन मैं आपको फ्रेम करने की इजाजत दे रही हूँ। नैब का कानून गलत है आप कह रहे हैं, बट आप अपने एजेंडा पे काम ना करें। मैं किसी मेरा क्या एजेंडा हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उन पर फर्द जुर्म आयद होना है, वो खुद ही जाके कानून चेंज कर रहे हैं। देखें आपके नजदीक समझ नहीं आ रही। देखें ये दो फर्क कानून है, ठीक है। हम जो नैब का कानून चेंज हुआ उसमें अगर आप ह्यूमन राइट्स लॉ भी देखें कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगे तो ये जब तक इल्ज़ाम जब तक प्रूफ ना आ जाए, जब तक एविडेंस ना हो, तब तक आप लोगों को सिर्फ इल्ज़ाम लगा के जेलों में नहीं रख सकते। अभी आप खुद कानून चेंज करता अच्छा लगता है आपको? डजंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट अक्यूज्ड, इट्स नॉट अबाउट अक्यूज्ड। बात प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, बिल्कुल भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उन पे, बिल्कुल भी नहीं भाई। बाप मैं बात से 50 लोगों को और फायदा हुआ, 50 रेफरेंसेस वापस चले गए। आपको दोबारा ये फिर से अब क्लियर कर दूं, नैब के रेफरेंसेस वापस गए हैं। NAB was always used as a tool to politically victimize, ये अदालतों ने भी कहा है, ठीक है। अगर किसी पे आप इल्ज़ाम लगाएं और उस इल्ज़ाम के बेसिस पे आपको लगे कि आप उसको जेल डाल दें, अभी मरियम बीबी का केस आपने देखा कि लास्ट 3.5-4 ईयर से वो रोज़ हर दूसरे तीसरे हफ्ते वो पेशियों पे जाती हैं और NAB के प्रोसिक्यूटर के पास नहीं जवाब था ना, एक जवाब भी नहीं। इससे आपकी पॉलिटिकल साख बहाल हुई ना, लेकिन 4.5 ईयर कानून चेंज हुआ होता उसका बेनिफिट मरियम बीबी को मिलता तो क्या बनता। बात सुने, अगर एक कानून चेंज करना तो मुख्तलिफ चीज़ें, मैं ये पूछ रहा हूँ। बेगुना बंदा, आपने देखा शायद थकान अबासी, आपने राणा सनाउला का फैसला अदालतों को करने दें, अदालतों ने ही किया, अदालतें ही करेंगी, खुद कानून चेंज करेंगे तो सवाल उठेंगे। नैब का कानून ऐसे चेंज होना चाहिए और ये आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और ये हर पाकिस्तानी शहरी को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत शुक्रिया।